आप लोग को पता है आज के दिन दशहरा है ना। आज के दिन सब हस्बैंड वाइफ सब लोग आपस में जाएंगे मेला घूमने। बट मेरे हब्बी जी यहाँ है ही नहीं। वो रहते तो इसको ही घुमाते, हम भी घुमाते। बट पिछले बार भी थे ना तो साथ में नहीं गए थे मेला घूमने, और इस बार तो है ही नहीं। अब देखिए अगली बार वो साथ में रहते हैं कि नहीं। आप लोग को पता है मैं ना उनके साथ ना कभी भी मेला घूमने नहीं गई, कभी नहीं। ऐसे यूं सब लोग को देखते हैं जाते हुए इसलिए इमोशनल हो गई थोड़ा, इसके लिए सॉरी। बट ये देख रहे हैं इसका नहीं मन होगा अपने मम्मी पापा के साथ जाए घूमने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है? सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में नजर आएंगे वीडियो में, ठीक है? और मैं ऐसे फ़ोटो वगैरह नहीं दिखाना चाहती उनका, मैं सिर्फ डायरेक्टली उनको वीडियो में लाना चाहती हूँ। बट आप लोग सपोर्ट कीजिए तो वो जल्द ही वीडियो में आ जाएंगे, और बिल्कुल इसी की तरह क्यूट से है, बहुत ही प्यारे हैं इसी की तरह जैसे ये है ना। देखिए क्यूट सा इसका मासूम सा चेहरा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है वो भी। आप लोग के भाई, किसी के जीजा जी, किसी के जो 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 मानते हैं उनको वो, और मेरे लिए तो हड्डी जी और इनकी, इसके लिए तो पापा। देखिए ना आज हो सकता है तो मैंने सब लोग को जाते हुए देख करके ना थोड़ी सी सैड हो गई मैं। फेस पे स्माइल दिख रही है, आँख में हंसू बड़ी फिरी है आज के दिन, क्योंकि सब लोग जाते हैं ना अपने हस्बैंड वाइफ सब लोग मेला घूमने। और नहीं नहीं हमारी शादी हो रखी थी पिछले बार भी, लेकिन नहीं साथ में नहीं गए थे, और नहीं इस बार। और हम ना मन्नत मांगे हुए हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड जी साथ में भगवान जी को चुनरी चढ़ाएंगे, बट वो है ही नहीं मेरे साथ तो कैसे चढ़ाएंगे। तो जिस बार या जिस टाइम वो हमारे साथ रहेंगे ना तो उस टाइम चढ़ाएंगे, और तब तक तो ये भी बड़ी हो जाएगी।